डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। अभी जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो LT ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, यानी कि UPSC जो LT ग्रेड का एग्ज़ाम कराता है, उसमें किस तरह से सिलेबस है और किस तरह से उसका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि केमिस्ट्री से रिलेटेड LT ग्रेड में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर इस चैनल में मिल जाएंगे, इसलिए आप यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। मैं लगातार इन क्वेश्चंस को अपलोड करता रहूँगा और आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जो है सॉल्यूशन मिलेंगे। ऑथेंटिक सॉल्यूशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप किसी बुक से पढ़ते हैं तो वहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, रॉन्ग सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, और यहाँ पर बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। तो आई होप कि आपका नॉलेज जो होगा वो थोड़ा सा और स्ट्रांग होगा और बढ़िया से आपका पेपर होगा। चलिए पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि 150 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, एक ही आपको पेपर देना है और उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, यानी 150 मार्क्स का जो होगा पूरा का पूरा पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। अब अगर आपने गलत क्वेश्चन किया हुआ है तो 1/3 जो होता है वो माइनस मार्किंग है, मतलब कि अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे तो जो सही एक क्वेश्चन है उसके नंबर जो होंगे वो कट जाएंगे, -1 हो जाएंगे। बात समझ में आई ना? ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये बात ध्यान देने वाली है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी थोड़ी सी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2 घंटे में यानी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ उनका सर्कल भी करना है, तो थोड़ा सा आपको स्पीड का मैटर फंसता है स्टूडेंट में, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रसायन विज्ञान का यानी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें आता है, इंडक्टिव इफेक्ट आता है, रेजोनेंस आता है, एरोमेटिसिटी और उसका उनके एप्लीकेशंस आते हैं। रिजेंट में बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन रिजेंट हैं, न्यूक्लियोफिलिक हैं, इसके अलावा रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, जैसे कार्बोनियम आयन है, कार्बेनाइन है, फ्री रेडिकल है, कार्बीन है, बेंजाइन है, नाइट्रीन यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो SN1 है, SN2 है, E1 और E2 है। इसके अलावा एल्कीन एंड एल्काइन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। इसके अलावा एल्कीन की फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, इसके अलावा जो दूसरे कंपाउंड है उनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसके अलावा एरोमेटिक की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसके अलावा ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और उनमें एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग जो इफेक्ट है इससे क्वेश्चन आता है। जो रिएक्शंस हैं, जो नेम रिएक्शन, उनमें एल्डोल है, परकिन है, कैनिजारो है, विटिज है, टीमन है, हॉपमैन है, नोवेंजल है, माइकल रिएक्शन है, बेंजोइन कंडेंसेशन है, ये सब आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में केवल ग्लूकोज और फ्रक्टोज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, म्यूटा रोटेशन से ओसाजोन का फॉर्मेशन है, इसके अलावा रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, इनसे क्वेश्चन आता है। पॉलीमर में बात करें तो नेचुरल पॉलीमर जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, रबर है, सिल्क है, इसके अलावा सिंथेटिक पॉलीमर है, नायलॉन है, टेरिलीन है, पॉलीथीन है, PVC है और टेफ्लॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आइसोमेरिज में बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में और स्टीरियो आइसोमेरिज में आता है, एनेंशियोमेरिज में, डाइस्टीरोमेरिज में, RS नॉमनक्लेचर और ईज एंड नॉमनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें आपका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रोमोफोर है, इसके अलावा ऑक्सोक्रोम है, इसके अलावा क्रोमेटोफोर है, इन सबसे क्वेश्चन जो है वो आता है। वुडवर्ड फिजर जो है रूल आता है, ठीक है ना। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है इससे रिलेटेड और जो डिफरेंट फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल है, क्वांटम नंबर है और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। पीरियोडिक टेबल में आयनिक एंड एटॉमिक रेडियस है, आयनिक आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, लैटिस एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी है और इनका सॉल्युबिलिटी से जो इफेक्ट आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके साथ ही साथ में मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमनक्लेचर है, लिगेंड है, लिगेंड में भी मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है और पॉलीडेंटेड पर ज़्यादा फोकस रहता है। इसके अलावा वर्नर थ्योरी है और इसके अलावा जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा
एक्टिव जो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, विटामिन B12 है, क्लोरोफिल है। इसके अलावा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में आपको ऑक्सीडेशन नंबर है, रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, और हाफ सेल रिएक्शन में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका यूज़ जो है वो उस पर क्वेश्चन बनता है। रेडियो एक्टिविटी में नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव डिके है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज का के बारे में आता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। साथ ही साथ हाफ लाइफ है, न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स में मॉलिकुलरिटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर से बनता है क्वेश्चन। इसके अलावा कैटालिटिक और एंजाइमेटिक रिएक्शन से भी क्वेश्चन बनता है। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ है। इसके अलावा एंथैल्पी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपका हीट कैपेसिटी है। इसके अलावा जो है सीपी और सीबी इनमें रिलेशन है, ठीक है ना, तो इन सब पे क्वेश्चन बनता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इससे ली चैटलियर प्रिंसिपल है। इसके अलावा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, केपी केसी रिलेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी है, इन सब पे क्वेश्चन बनता है। इसी इक्विलिब्रियम में अगर बात करें तो वीक एसिड एंड वीक बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट के एंड के बी, इसके अलावा वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के जो सॉल्ट बनते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस यानी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। साथ में आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW और बफर सॉल्यूशन और pH स्केल पर भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए इतना सिलेबस जो है वो आपको समझ में आ गया कि LT ग्रेड का है, और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स जो होंगे वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। वैसे भी केमिस्ट्री से रिलेटेड आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये चैनल आपके लिए ही है। आप यहाँ पर सर्च करके अपने यूज़फुल जो वीडियो हैं, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं। केमिस्ट्री के अलावा आपको अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी यहाँ पर मिल जाएंगे, और उनके क्वेश्चन पेपर्स खासकर जो CBSE बोर्ड जो है अपलोड करता है क्वेश्चन को, उनके सॉल्यूशंस को, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ओके, थैंक यू।